पुनः आपका स्वागत करता हूँ न्यायपालिका के इस आखिरी वीडियो में। हम रिट के प्रकारों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के वीडियो में हमने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में विस्तार से जाना था। इस वीडियो में हम परमादेश, प्रतिषेध और आगे के जो अधिकार हैं, अधिकार परीक्षा इत्यादि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम परमादेश के बारे में विस्तार से जानें। परमादेश क्या होता है? परमादेश जो है यह किसके विरुद्ध दिया जाता है? ध्यान रखिए, ये परमादेश न्यायपालिका के द्वारा किसी लोक अधिकारी या संस्थान या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध यह जारी किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? न्यायालय इन अधिकारियों को या इन संस्थाओं को या अधीनस्थ न्यायालयों को आदेश करती है कि वह कार्य करें जो करना उनका विधिक दायित्व है। यानी मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट है तो वो हाई कोर्ट को ऐसा निर्देश करेगी, हाई कोर्ट जो है जिला न्यायालयों को आदेश करेगी, या आप कह सकते हैं कि अधीनस्थ जितने भी प्रशासनिक संस्थाएं हैं या लोक अधिकारी हैं या निगम इत्यादि हैं उन पर क्या करेगी, आदेश जारी करेगी कि वो कार्य करें जो करना उनका विधिक दायित्व है। विधिक दायित्व का मतलब जिस कार्य के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है या जो करने के लिए उनका गठन किया गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों को यह आदेश करती है कि वह कार्य करें जो करना उनका दायित्व है, यानी जिसके लिए उनकी रचना की गई है। लेकिन यहाँ ध्यान रखने की बात है कि किसी निजी संस्थान को यह आदेश जारी नहीं किया जाता, या राष्ट्रपति या राज्यपाल को ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाता। इसमें आप निजी कंपनियों को भी शामिल कर सकते हैं। सरकार की जो कंपनियां होती हैं उस पर भी ये आदेश जारी नहीं होता। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ, आप जारी किसके ऊपर कर सकते हो? तो कार्यपालिका के जितने भी संस्थाएं, जितनी प्रशासनिक संस्थाएं जो किसी न किसी दायित्व से बंधी है और जनता के किन्हीं कार्यों को करने के लिए उनको अधिकृत किया गया है, उनको दायित्व है यह कार्य करें, तो उस कार्य को करने की से अगर वो मना करती हैं और हम एक नागरिक होने के नाते हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी हमें वो सेवाएं और वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं जो हमें उस संस्था से मिलनी चाहिए, उस व्यक्ति से मिलनी चाहिए, उस अधिकारी से मिलनी चाहिए, और वो कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में न्यायालय जो है आदेश जारी करती है उन संस्थाओं को या अधीनस्थ न्यायालयों को कि वह कार्य करे जो करना उनका विधिक दायित्व है। तो परमादेश जो है उसको कहते हैं वी कमांड, मतलब हमने आपको आदेश दिया है वो करो जो करना आपका दायित्व है। तो ये जो इससे आप पूछ सकते हैं कि भाई मौलिक अधिकारों से इसका कैसा संबंध है? तो जैसे हम कहते हैं कि भाई एक नागरिक होने के नाते हमें प्रशासनिक संस्थाओं से या सरकार के अधिकारियों से या कार्यालयों से यह सेवाएं प्राप्त करने का अधिकार है, और वह जो संस्था है या व्यक्ति है, अधिकारी है, वो हमें यह सेवा नहीं दे रहा है, तो आप न्यायालय जाकर और यह परमादेश प्राप्त कर सकते हैं, रिट प्राप्त कर सकते हैं, जारी करवा सकते हैं कि न्यायालय जो है उसको आदेश करे कि वह कार्य करे जो करना उसका विधिक दायित्व। इस प्रकार से एक नागरिक के जो अधिकार आपको के रूप में जो प्राप्त है कि आपको विभिन्न सेवाएं मिलनी चाहिए सरकार की संस्थाओं से, उसमें अगर कोई बाधा आ रही है, अगर कोई मना कर रहा है, तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। तो परमादेश जो है आपके जो नागरिक अधिकार है उसकी रक्षा करता है। दूसरी जो अन्य जो है रिट, उसको कहते हैं प्रतिषेध, यानी तीसरे प्रकार का जो रिट होता है उसको हम प्रतिषेध कहते हैं। पहले को अंग्रेजी में हैबियस कॉर्पस, दूसरे को मैंडमस, और तीसरे को प्रोहिबिशन, यानी कि प्रतिषेध कहा जाता है इसको। कहीं कहीं पुस्तकों में निषेधाज्ञा शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सही शब्द जो है वो प्रतिषेध के रूप में आप इसको स्वीकार करें। इसका अर्थ क्या होता है? तो उच्चतम और उच्च न्यायालय जो है या अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध इसको जारी करती है, और विशेषकर ध्यान रखिएगा ऐसे जो प्रशासनिक न्यायाधिकरण हैं उनके विरुद्ध भी यह जारी करती है कि वो अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर कोई कार्य न करें। यानी सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय को, उच्च न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालयों को
यह आदेश जारी करेगी, क्या आदेश जारी करेगी कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई फैसला न दे। यानी ऐसा कोई जो है मामला या वाद जो उसके कोर्ट में दायर हुआ है वो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता तो जो है कोई पीड़ित पक्ष है वो उच्चतम न्यायालय के पास जाकर अपील कर सकता है कि ऐसे मामले निम्न न्यायालयों में सुने जाने योग्य नहीं है और उसके लिए सक्षम स्तर आप हैं, इसलिए उस पे वो जो कार्रवाई वहाँ चल रही है उस पर आप रोक लगा दीजिए। तो ये प्रतिषेध जो है ये एक प्रकार से कि सही स्तर पर फैसले लिए जाएं, सक्षम स्तर पर ही निर्णय किए जाएं, इसके लिए पक्ष जो है कोई पीड़ित पक्ष है उच्चतम न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है, अपील कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट के अगेंस्ट जा सकते हैं कि जो लोअर कोर्ट में मामले चल रहे हैं उस मामले पर रोक लगाई जाए, उन्हें यह अधिकार नहीं है कि ऐसे मामलों पर वह निर्णय कर सके। तो अपने अधिकारिता से बाहर जाकर कोई न्यायालय अगर कोई सुनवाई कर रहा है या कोई वाद का समाधान करने का प्रयास कर रहा है तो उसकी कार्रवाई पर रोक लगाने का यह अधिकार होता है उच्च न्यायालयों को। लेकिन यहाँ पर एक सावधानी बरतनी पड़ती है कि फैसला जो है देने से पहले, यानी फैसले अगर दे दिए हैं तो फिर आप प्रतिषेध की मांग नहीं कर सकते। फैसला होने से पहले ही आपको उच्च न्यायालय में जाकर उस कार्रवाई पर रोक लगाने की याचिका दायर करनी पड़ेगी। इसके बाद जो चौथा है रिट, उसको उत्प्रेषण कहते हैं। इसको अंग्रेज़ी में सर्टियोरारी कहा जाता है। इसका अर्थ होता है सामान्य अर्थ प्रमाणित करना। प्रमाणित करने से मतलब हुआ कि उच्चतम और उच्च जो न्यायालय है अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध या जो है जो कार्रवाई प्रतिषेध में रोक दी गई थी वो कहती है कि वो सारे मामले हमारे पास भेज दीजिए क्योंकि हम सक्षम स्तर हैं, फैसला हम करेंगे, आप जो है वो सारे मामले दस्तावेज सूचनाएं जो आपके कोर्ट में दायर की गई थी जिस पर हमने रोक लगा दी थी प्रतिषेध में, वो सारे मामले हमारे पास भेज दीजिए ताकि हम जो है उस पर क्या करें, कार्रवाई करें, हम उस पर निर्णय करें। तो उत्प्रेषण का मतलब होता है अधीनस्थ न्यायालयों, उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को दिया गया वह आदेश जिसके माध्यम से वह किसी मामले से संबंधित सारे दस्तावेज सूचनाएं अपने पास मंगवा लेती है और इसलिए मंगवाती है ताकि सक्षम स्तर द्वारा सही स्तर पर फैसले लिए जा सके। तो अब आप ध्यान रखिए जो प्रतिषेध है वह अधीनस्थ न्यायालयों में किसी कार्रवाई को आगे बढ़ने से रोकना, और उत्प्रेषण जो है वो सारे मामले उच्च न्यायालय द्वारा मंगवा लेना ताकि उच्च न्यायालय जो है उस पर आगे की कार्रवाई कर सके। तो पहला जो है प्रतिषेध को नकारात्मक भी कहा जाता है क्योंकि वह न्यायिक प्रक्रिया को रोक देता है, और उत्प्रेषण को सकारात्मक कहा जाता है क्योंकि इसको जारी करने का मतलब है कि अब जो है मामले सक्षम स्तर पर ले लिए जाएंगे और वहाँ पर जो है फैसला किया जाएगा। इसको बहुत सिंपल एग्जांपल से भी समझा जा सकता है, हालांकि ये न्यायिक क्षेत्र से नहीं है, कि मान लीजिए कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर कोई व्यक्ति कोई रोगी आता है और आप वो जो डॉक्टर है वो इतना सक्षम नहीं है और वो कहता है मैं इसका हार्ट का ऑपरेशन कर सकता हूँ, मैं वो करना शुरू कर देता है। तो फिर ये चूँकि वो उसके लिए वेल ट्रेंड नहीं है, यद्यपि वो एक डॉक्टर है, तो वो अपने अधिकारिकता के क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य कर रहा है, वो सक्षम नहीं। अब रोक लगाओ तो आप चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के पास या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी के पास जाकर डॉक्टर कहते हैं कि साहब प्राइमरी हेल्थ सेंटर वाले डॉक्टर जो हार्ट का ऑपरेशन कर रहे हैं उनको मना कीजिए रोकने के लिए, तो वो कहेंगे वो अधिकृत नहीं है इस कार्य को करने के लिए, वो उसको कहेंगे कि भाई ये तुम मत करो, ये प्रतिषेध हो गया, और उस पेशेंट को मेरे पास भेज दो, तो ये क्या हो गया, उत्प्रेषण। तो ये हालांकि मेडिकल क्षेत्र में ऐसा नहीं होता, पर मैंने एग्जांपल आपको इस रूप में समझाया कि उच्चतम न्यायालय जो है अधीनस्थ न्यायालयों पर जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है अगर कोई सुनवाई चल रही है तो उस पर रोक लगा देगी, तो ये हो गया प्रतिषेध, और कहेगी ये सारे मामले हमारे पास भेज दो, हम सक्षम स्तर हैं, तो ये क्या हो गया, उत्प्रेषण। तो ये प्रतिषेध उत्प्रेषण जो है रिट वह सुनिश्चित करता है कि सही स्तर पर क्या होनी चाहिए, फैसले लिए जाने चाहिए, जो सक्षम स्तर है वही निर्णय करेगा।
अब आखिरी जो रिट होता है उसको कहते हैं अंग्रेजी में को वारंटो और हिंदी में कहते हैं अधिकार पृच्छा, और इसका अर्थ होता है किस अधिकार से। तो यहाँ पर दो बातें हैं कि किसी लोक महत्व के पद पर अगर कोई दावा करता है कि यह पद मुझे प्राप्त होना चाहिए, तो जो दावा करता है उससे न्यायालय पूछती है कि किस अधिकार से आप ये दावा कर रहे हो कि यह पद आपका होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, तो जिसने दावा किया उसको सबूत देने पड़ेंगे, तथ्य देने पड़ेंगे, उसको सिद्ध करना पड़ेगा कि यह जो पद है ये मुझे प्राप्त होना चाहिए। और जो पद पर मान लीजिए पहले से किसी की नियुक्ति हो गई है तो उससे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा आप कैसे दावा कर रहे हो। तो आपको जो है सिद्ध करना पड़ेगा न्यायालय में कि ये तथ्य ये सबूत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, यह पद मुझे मिलना चाहिए था। तो अगर आपने सही बात कही, आपने सही तथ्य प्रस्तुत किए हैं और न्यायालय जो है आपसे सहमत हो गया है तो वह पद आपको दे दिया जाएगा। उसी तरह से लोक अधिकारी द्वारा अगर कोई कार्य किया जा रहा है वह वैधानिक है या नहीं, यानी कानून के अनुसार से सही है नहीं, इसकी जांच करना, उसको जो अधिकार मिला जिस स्रोत से मिला है वह स्रोत सही है या नहीं, इसको सुनिश्चित करना। अगर कोई अधिकारी जो कोई कार्य कर रहा है और वो जिस स्रोत से यानी अधिकार के जिस स्रोत के आधार पर वह यह कार्य कर रहा है, यानी जो उसके पास सत्ता है वो उस वैधानिक सत्ता है या नहीं, वह जो कार्य कर रहा है वह जो है विधि सम्मत है या नहीं, इस बात को सुनिश्चित न्यायपालिका करती है। और यदि उसको ऐसा लगता है कि सत्ता गलत है, व्यक्ति गलत है, स्रोत गलत है, तो उसके सारे कार्यों को अमान्य घोषित कर देती है, तो और उस व्यक्ति को भी पद से हटा दिया जाता है। कुल मिलाकर अगर अधिकार परीक्षा को समझे तो इसका अर्थ होता है कि कोई भी सरकारी पद पर वही व्यक्ति आसन होना चाहिए, उसी व्यक्ति को पद धारित करना चाहिए जो उस पद के लिए योग्य है, जो अधिकृत है, जिसको विधिवत नियुक्ति दी गई है, और पद से संबंधित वही कर्तव्य दायित्व का वह निर्वहन करे जिसके लिए उसको किसी सत्ता के द्वारा प्राधिकृत किया गया है, या और उसके कार्य जो है वह पद के शक्तियों और दायित्व के अनुकूल होने चाहिए। तो ये सारी बातें सुनिश्चित करने का उद्देश्य यह है कि सरकार के जितने भी पद हैं वह पद विधिक तरीके से व्यक्तियों को प्राप्त होनी चाहिए, यानी कानूनन प्राप्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, कि भाई जिसने जिस पद पर चाहा कब्जा कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पद उसी व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए जो इसके लिए प्रक्रिया के द्वारा चुन कर आया है, एक जो निर्धारित कानून के अंतर्गत जो प्रक्रिया बनाई गई है। जैसे मान लीजिए कि आप कलेक्टर के पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा देनी पड़ेगी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, और संघ लोक सेवा आयोग जो है आपको प्रमाणित करेगा कि उत्तीर्ण पाए गए और इनका जो है रैंक इस लायक था कि इनको IAS बनाया जाए, और सरकार ने आपको नियुक्त किया कि आप एक भारतीय प्रशासनिक सेवा में आए, और उसके बाद वो आपको फिर क्या करती है, उस पद को अलॉट करती है कि अब आप वहाँ जाएं और इस पद पे कार्य करें। तो ये सारी प्रक्रिया आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको वह पद प्राप्त होगा। अब कोई दूसरा व्यक्ति आकर दावा करता है कि नहीं मुझे मिलना चाहिए, तो फिर बताओ कि किस अधिकार से आप ये दावा कर रहे हो। अर्थ ये हुआ कि कोई भी लोक महत्व का जो पद है वह उसी व्यक्ति को प्राप्त हो जो उसके लिए योग्य था, जो उसके लिए प्राधिकृत किया गया था। तो इससे आपके समानता के अधिकारों की रक्षा होती है। तो जैसा मैंने कहा कि रिट तब जारी होते हैं जब आपके किसी मौलिक अधिकार के ऊपर जो है आघात किया जाता है या उसको चुनौती दी जाती है, तो आप न्यायालय में जाते हैं और न्यायालय जो है रिट जो है जारी करती है, और इस प्रकार आपके मौलिक अधिकारों का की रक्षा की जाती है। तो अब कुछ बातें और जानने की है कि जो परमादेश होता है, प्रतिषेध होता है और उत्प्रेषण, ये न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी किए जा सकते हैं, किंतु बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। यानी पहले जो तीन थे वो न्यायालयों के विरुद्ध भी जारी किए जाते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों के
यानी प्रशासनिक न्यायाधिकरणों संस्थाओं के विरुद्ध भी जारी किए जाते हैं, लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा या किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये बंदी प्रत्यक्षीकरण और अधिकार परीक्षा एक व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी हो सकता है। और पहला जो तीन मैंने बताया वह न्यायालयों के और प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं उसके विरुद्ध भी जारी किए जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस प्रकार न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है, हमारे और आपके अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य के मनमानेपन के विरुद्ध ये एक रक्षा कवच प्रदान करता है। लेकिन न्यायिक नियंत्रण की कुछ सीमाएं भी होती हैं। सबसे बड़ी सीमा वो ये है कि जब तक आप न्याय की मांग नहीं करते आपको न्याय नहीं मिलता। यानी आप अगर पीड़ित हैं तो सबसे पहले आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा। कोर्ट अपने स्तर पर यह सुनिश्चित नहीं करती है कि किसी अधिकारी ने कोई गलत कार्य किया या कोई कानून गलत बन गया तो हम अपने स्तर पर उसकी समीक्षा करें, ऐसा नहीं होता। आप जब तक पीड़ित न्यायालय के पास नहीं जाता, वह चुनौती नहीं देता, तब तक न्यायपालिका प्रशासन के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करती है। तो न्यायपालिका स्वयं पहल नहीं करती। दूसरा, जब घटना घट जाती है तब पीड़ित व्यक्ति न्यायालय में जाता है और न्यायालय फिर क्या करती है, उन कार्यों की समीक्षा करती है, फैसला करती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या कर सकती है कि भविष्य में इस तरह से घटनाएं नहीं घटे या जो घटना घट गई उससे जो नुकसान हुआ उन नुकसान की भरपाई करा सकता है, लेकिन घटना को घटने से वो रोक नहीं सकता। इसीलिए यह इसके पास निवारक शक्ति का अभाव होता है, यानी किसी घटना को होने से रोक नहीं सकता, घटना घटने के पश्चात ही यह न्याय करता है। तो इस प्रकार के न्याय को कई बार कहा भी जाता है कि यह कैसा न्याय। आप मान लीजिए कि किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या कर दी, ठीक है, तो हत्या को तो रोक नहीं सकता, लेकिन जो हत्यारा है उस हत्यारे को सजा दी जा सकती, लेकिन उसके सजा देने से भी वो व्यक्ति वापस जिंदा लौट कर तो नहीं आ सकता। इसलिए घटना को रोक तो नहीं सकता, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि जो घटना घटी है उसकी जिसकी वजह से घटी है, जो गलतियाँ हुई है उसको सजा दी जा सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह जो है एक पोस्टमार्टम काइंड ऑफ एक्टिविटी हो जाती है, हम घटनाओं को होने से रोक नहीं पाती है न्यायपालिका। तीसरी बात कि जो न्यायिक नियंत्रण है इसकी जो प्रक्रिया है वो सभी जानते हैं बहुत ही जटिल होती है, खर्चीली होती है, समय बहुत लगता है न्याय में और श्रम साध्य होता है। कोई भी फैसला न्यायपालिका में जल्दी नहीं हो पाता, इसमें बहुत समय लगता है, प्रक्रिया बहुत जटिल है। अब कोई घटना घटी उसको है ना पुलिस उस घटना की तफ्तीश करते करते काफ़ी समय लगा देती है, फिर उसके ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, फिर जो है आरोपी होता है उसका वकील और जो है ना सरकारी वकील दोनों मिलकर जो है बहस करते हैं, बहुत सारी धाराएं लगाई जाती है, एक एक धारा पर फिर बहस होती है और सबूत और गवाह ये सारे मिलकर एक लंबा समय, एक बार में तो सुनवाई होती नहीं, वर्षों लग जाते हैं सुनवाई में, कहते हैं तारीख पे तारीख पे तारीख चलती रहती है और कई बार तो किसी व्यक्ति के जीवन काल में भी जो है उसका फैसला नहीं हो पाता। इसलिए वो कहते हैं जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी आपने अगर किसी न्याय के मामले में बहुत अधिक समय ले लिया तो वास्तव में आपने न्याय नहीं किया। इसलिए ये न्यायपालिका की सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी सीमा है कि सबके साथ जो है न्याय की रक्षा के लिए किसी भी व्यक्ति को वो पहले से मान कर चलती है कि यह दोषी नहीं है। दोषी तब होगा जब सबूत और गवाह जो है उसके पक्ष विपक्ष में होंगे, यानी सबूत और गवाह के आधार पर ही किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जा सकता, बाकी सभी व्यक्ति निर्दोष है वो पहले से मान कर चलती है। तो अर्थ ये हुआ कि ये जो अगर मान लीजिए कि कोई दोषी है भी और उसके विरोध में सबूत और गवाह नहीं है तो वह दोषी छूट जाता है, क्योंकि न्यायपालिका तो ये मानकर चलती है, क्या मानकर चलती है कि कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, निर्दोष है और जब तक इसके ऊपर जो है आरोप सिद्ध न कर दिए जाए। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि सबूत और गवाह के आधार पर ही जो है हम किसी को दोषी ठहरा पाते हैं, अगर वह
पुख्ता नहीं होते हैं तो वो दोषी भी छूट जाता है। इसके अलावा न्यायिक नियंत्रण की स्वयं की अपनी सीमाएं, स्वयं न्यायपालिका अनेक मामलों में जो है वो मना कर देती है कि हम इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या काम विधायिका का है, यह कार्य कार्यपालिका का है, यह हमारा काम नहीं है। इस मामले में आप खुद देखिए कि न्यायपालिका के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव है। जितने भारत में कोर्ट्स होने चाहिए, न्यायालय होने चाहिए, उतने नहीं हैं। अब जजों की नियुक्ति होनी है, जजों को जो है उनका वेतनमान है, या बहुत सारे न्यायालय बनाए जाने, यह काम किसका है? यह न्यायपालिका नहीं करती है, काम कार्यपालिका का है। तो कार्यपालिका को यह वह आदेश नहीं कर सकती है कि इतने सारे कोर्ट्स खोल दिए जाए, या इतने सारे स्कूल खोल दिए जाए, या इतने सारे अस्पताल बना दिए जाए। यह काम कार्यपालिका है, कार्यपालिका स्वयं करेगी, न्यायालय जो है यह ऐसा आदेश नहीं करेगी। तो इस मामले में न्यायिक जो है नियंत्रण नहीं हो पाता। तो ये सारी बातें न्यायपालिका को लेकर हमने जो बताई वो संक्षेप में बातें थी, और मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप इसे पढ़ें, और यदि कोई और समस्या आती है तो हम आपका स्वागत करेंगे, आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और इससे संबंधित प्रश्न जो हमने आपको बनाकर दिए हैं उन प्रश्नों को भी अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पेपर्स मैंने बनाकर डाले हैं, उसको अटेम्प्ट करें आप, और इंटरैक्टिव जितना आप इंटरेक्शन होगा, जितना आप फीडबैक देंगे, उतना और बेहतर तरीके से हमारी जो ये वीडियो क्लास है चल पाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।